गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास फोर का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर फोर है, क्या है बिजली। तो आप लोग बिजली से तो पहले से भी परिचित होंगे कि बिजली से ही आजकल की जितनी भी सारी सुविधाएं हैं वो बिजली से ही संचालित होती है, चलती है। जैसे पंखा हुआ, एसी लगा हुआ रहता है घर घर में, बहुत सारे सामान जैसे बैटरी का ही उपयोग करते हैं, वह चार्ज कैसे होता है तो वो बिजली से ही चार्ज होता है। आयरन हम अपने कपड़े पर करते हैं क्योंकि बिजली से ही चलता है। तो आज का युग जो है विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमें अनेक सुविधाजनक वस्तुएं प्रदान की है जिससे हमारा जीवन अत्यंत सुखद और सुखदायक हो गया है। देखिए, आज जब भी हमें गर्मी महसूस होती है उस समय तुरंत हम पंखा चला लेते हैं, तुरंत हम एसी ऑन कर लेते हैं ताकि हमें गर्मी का एहसास नहीं हो। ठंड लगने पर ब्लोअर चला लेते हैं। तो इस तरह से अनेक, जब भी हम अपनी सुख सुविधाओं का जो भी चीज चाहते हैं, वॉशिंग मशीन है जिससे हम कपड़ा साफ करते हैं तो वो भी बिजली से ही चलता है। मिक्सी है, ग्राइंडर है, जूसर है, जूस निकाल के पीते हैं, ये जितनी भी सारी सुख सुविधाएं हैं वे सब बिजली के द्वारा ही संचालित होती है। तो आइए देखते हैं कि बिजली कैसे तैयार होता है, इसको हम किस तरह से प्राप्त करते हैं। तो आज के दौर में बिजली की परिभाषा हमारे लिए बहुत सरल हो गया है, आसान हो गया है। बटन दबाओ तो आ गई बिजली, बटन दबाओ तो फिर बिजली चली भी जाती है, बटन दबाने पर पंखा भी चलने लगता है और फ्यूज हो जाने पर बंद भी हो जाता है। तो वास्तव में जितना सरल दिखता है उतना नहीं है। आज हमारे जीवन में बिजली का बहुत महत्व है, अनेक चीजें बिजली से ही चलती है। बच्चों को हम देखते हैं कि अब क्या क्या बिजली का उपयोग हम किस तरह से करते हैं, कैसे बनाई जाती है बिजली, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। भाई, इतना सारी सुख सुविधाएं जो बिजली दे रही है तो आप लोगों के मन में यह जिज्ञासा भी होगी कि यह बिजली किस तरह से तैयार होता है। तो बिजली बनाने की जानकारी हासिल करते हैं। बिजली के बनाने के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। वह सिद्धांत यह है कि जब किसी चुंबक को तार से, यानी तांबे के तार से लपेटा जाए तो चुंबक घूमना आरंभ कर देता है, यानी तार में बिजली की लहर दौड़ने लगती है। यानी जब तांबे का तार जब हम लेते हैं उसे चुंबक में लपेटते हैं तो तार में करंट प्रवाहित होने लगती है और वह चुंबक घूमना आरंभ कर देती है, यानी तार में बिजली की लहर दौड़ जाती है। बिजली बनाने के सिद्धांत का आविष्कार 1831 में हुआ था। जिस महान वैज्ञानिक के दिमाग की यह उपज थी उनका नाम था माइकल फैराडे। उन्होंने इस बात की खोज की कि यदि हम तांबे के तार को चुंबक के पास ले जाएं तो तार में बिजली का करंट उत्पन्न होने लगता है, प्रवाह होने लगता है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि एक चुंबक और तार का यदि संबंध कर दे तो तार में बिजली बहने लगेगी, यानी बिजली प्रवाहित होने लगेगी। जब चुंबक से एक तांबे के तार को जब हम लपेटते हैं तो बिजली प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि तार बिजली का सुचालक है, यानी गुड कंडक्टर है। आप फिजिक्स में भी आप लोग पढ़िएगा आगे क्लास में कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर क्या है। तो बिजली का सुचालक होता है गुड कंडक्टर। यदि अब यदि तार का एक बल्ब से जोड़ दिया जाए तो बल्ब जलने लगता है। घूमते हुए तार की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, यानी बिजली यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। बिजली घर कैसे बनते हैं, अब देखिए कि बिजली का जो आविष्कार होता है, जो उत्पन्न किया जाता है बिजली, वह बिजली घर कैसे बनता है। एक तो साधारण जो आप उसका सिद्धांत जान लिए, ये जो पहले जो आप अभी पढ़ा है कि यह बिजली बनाने का सिद्धांत है कि एक चुंबक में जब तांबे के तार को लपेट दिया जाता है तो उसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है, इलेक्ट्रिक का प्रवाह होने लगता है और वहां से बिजली उत्पन्न होने लगती है। अब देखिए कि बिजली घर में कैसे हम बिजली उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में करने के लिए कोई चीज व्यवस्थित रूप में किया जाता है। तो अब बिजली विद्युत घर में कैसे उत्पन्न होता है ताकि हमें सभी को उपलब्ध हो पाता है, शहर शहर में, गांव गांव में, हर जगह, तो इसमें बृहद रूप में उत्पन्न करना पड़ता है। तो देखिए बिजली घर कैसे बनते हैं, बिजली बनाने के सिद्धांतों को लेकर ही बिजली घर बनते हैं, यानी उस सिद्धांतों का ही उपयोग किया जाता है। बस अंतर यह है कि यहाँ कम पर काम बहुत बड़े स्तर पर होता है, माने यहाँ काम जो है वह बहुत बृहद पैमाने पर किया जाता है, बहुत बड़ा स्तर से किया जाता है। बहुत बड़ा चुंबक,
बहुत मात्रा में तार, तांबे का तार को लपेटने के लिए छड़ को चलाने के लिए बड़ी मशीन यानी बहुत बृहद पैमाने पर करने के लिए बहुत बड़ा चुंबक लेना पड़ता है, बहुत सारे तार लेने पड़ते हैं, छड़ में लपेटा जाता है, छड़ को चलाने के लिए एक मशीन की आवश्यकता होती है, इस मशीन को चलाने के लिए भाप ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जेम्स वाट ने भाप की शक्ति की दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। आप पहले भी जानते हैं कि जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था कि किस तरह भाप से इंजन रेलगाड़ी इंजन को खींचती है, उसी सिद्धांत पर इसको भी लिया जाए कि जेम्स वाट ने भाप शक्ति की दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। भाप पानी को उबालकर बनती है। आप घर में भी देखते होइएगा, जब माँ चाय बनाती है तो पानी जब गर्म करने के लिए केतली में चढ़ाती है तो भाप निकलता है, जब भाप चावल बनाने के लिए जब उसको डेक्ची को पानी गर्म चढ़ाती है तो उसमें से भाप निकलता है और इसी तरह से भाप बनता है, उबलकर पानी को उबालकर भाप बनता है। और कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी इस काम के लिए कोयला का बहुत बड़ा भट्टी तैयार किया जाता है, उस पर पानी का भाप बनाया जाता है, बिजली का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है क्या, तो कोयला। इस प्रकार कोयले से चलने वाले बिजली घर को थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। कोयले को भट्टी में जलाकर पानी को उबाला जाता है, उबाल कर पानी टरबाइन में डाला जाता है और भाप की ऊर्जा से टरबाइन घूमती है, यानी जिस तरह से चुंबक में जब तार लपेटा गया तो वह घूमने लगा करंट उत्पन्न हुआ, तो ठीक उसी तरह से जब भाप बनता है तो वह क्या होता है, वह घूमने लगता है, टरबाइन घूमती है और फिर तार को घुमाती है। जब सरल शब्दों में कहा गया है कि टरबाइन वह मशीन है जो तार को घुमाने का काम करती है, यानी छड़ में जब तार को लपेटा जाता है तो फिर मशीन का उपयोग किया जाता है। तो भाई वो मशीन कैसे चलता है, तो कोयले से भाप तैयार किया जाता है और भाप से जब वो मशीन चलती है, इंजन चलता है तो वो घूमने लगती है, घूमता है टरबाइन, मशीन जो है वो तार को घुमाने का काम करती है, टरबाइन को उस छड़ से जोड़ते हैं जिस पर तार बंधा है, जो चुंबक में के बीच में रखा जाता है, इसे जनरेटर कहते हैं। तो आपके घर में भी हम आप सभी कोई जनरेटर का यूज करते हैं, शादी ब्याह के समय में भी घर घर में दो चार जनरेटर को ले आया जाता है, क्योंकि एक जनरेटर उतना पावर नहीं लेता है, तो हम लोग दो चार जनरेटर मंगा के जहाँ तहाँ रख देते हैं और सब जगह कनेक्शन लगा देते हैं, तो वह जनरेटर भी इसी सिद्धांत पर चलता है। यही बिजली स्विच यार्ड में हमारे घरों में भी आती है, प्रयुक्त भाग को पुनः ठंडी हवा देकर ठंडा किया जाता है, तब यह पानी में बदल जाती है, यानी कि उस भाग को फिर ठंडा किया जाता है, पानी में बदल जाती है, फिर दोबारा इसे गर्म करके भाग बनती है। थर्मल प्लांट के अतिरिक्त हाइड्रो पावर प्लांट भी होता है, ये बड़े बड़े नदी पर बांध बनाकर पानी को रोका जाता है, इसमें पानी के माध्यम से बिजली बनाई जाती है, यानी हाइड्रो पावर प्लांट में पानी के माध्यम से बिजली बनाई जाती है और इसमें पर्वतों के पानी को रोक कर इकट्ठा किया जाता है, पानी को रोकने के लिए बांध बनाई जाती है, इस पानी को बहुत तेजी से टरबाइन पर गिराया जाता है जिससे वह चलने लगती है। इस प्रकार से बनी बिजली को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। भाखड़ा नगर बांध इस प्रकार की बिजली बनाने में सहायक है। तो आप लोग इस चैप्टर के माध्यम से जानते रहिएगा कि बिजली हमारे लिए कितना आवश्यक है, वो तो आप यूज करते हैं तो समझ रहे होइएगा कि बिजली आवश्यक है, लेकिन आपके मन में जो जिज्ञासा होती होगी कि यह बिजली कैसे तैयार होता है, आज यह भी आप लोग ने जान लिया कि बिजली कैसे तैयार होता है। तो यही आपका चैप्टर था, यहाँ क्वेश्चन आंसर दिया गया है, सबको बना दिया गया है, आप लोग फिर नोटबुक में लिखेंगे, सबको सॉल्व किया गया उसको भी याद करेंगे। धन्यवाद।